नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि फाइनली कब है हिंदू नववर्ष की पहली कामदार एकादशी, 1 तारीख को या फिर 2 अप्रैल को। जी हाँ, बहुत सभी व्रतिन हैं जिनको इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है कि आखिरकार किस दिन रखना है कामदा एकादशी का व्रत। तो चलिए आज मैं आप सभी के मन के इन विचारों को, इन कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए इस वीडियो में आपके लिए संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को आगे तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी कामदा एकादशी कहलाती है और इस साल कामदा एकादशी की जो डेट है उसको लेकर लोगों में बहुत ज़्यादा संशय की स्थिति बनी हुई है और उसकी सही डेट, मुहूर्त क्या है, इस पर काफ़ी ज़्यादा संशय बना हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि ये हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी कहलाती है। एकादशी का व्रत भगवान नारायण के निमित्त ही रखा जाता है। मान्यता है कि कामदा एकादशी का जो व्रत है उसे रखने वालों को कष्टकारी जीवन से छुटकारा मिलता है और उसके समस्त पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। कहते तो ये भी है कि जो भी विधि विधान से ये व्रत रखता है उसका तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाता है और जिंदगी की भौतिक सुख से परिपूर्ण रहती है। और इस साल कामदा एकादशी की डेट को लेकर लोगों में जो संशय है वो संशय हम अब जाकर क्लियर करेंगे और बताएंगे कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो 11वीं तिथि होती है उस दिन ही कामदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस साल कामदा एकादशी का व्रत 1 और 2 अप्रैल दोनों ही दिन रखा जाएगा क्योंकि पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल एकादशी तिथि 1 अप्रैल 2023 को सुबह 1:58 पर शुरू होगा और अगले दिन 2 अप्रैल 2023 को सुबह 4:19 पर ख़त्म होगा। और अगर एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए हो तो स्मारत संप्रदाय और गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी व्रत करना चाहिए, वहीं संत साधुओं और वैष्णव संप्रदाय के लोग दूसरे दिन एकादशी व्रत रखते हैं। और ऐसे में परिवारजनों के लिए 1 अप्रैल 2023 को कामदा एकादशी का व्रत रखना शुभ होगा, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग 2 अप्रैल 2023 को व्रत करेंगे। लेकिन अब कौन किस दिन पारण करेगा इसकी भी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। दोस्तों, इस दिन व्रत रखने वाले 2 अप्रैल यानी कि 1 अप्रैल को जो भी व्रत रख रहे हैं उन लोगों को 2 अप्रैल 2023 को दोपहर के 1:40 से शाम के 4:10 तक व्रत का पारण करना होगा। वहीं जो लोग 2 अप्रैल को रख रहे हैं यानी वैष्णव संप्रदाय साधु संत जो व्रत करेंगे दूसरी एकादशी के दिन, उन लोगों को व्रत रखने की जो आवश्यकता है वो है 3 अप्रैल 2023 को और सुबह 6:24 तक वो व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको बता दें कि कामदा एकादशी के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो कामदा एकादशी का व्रत फलाहार और निर्जला दोनों ही तरीके से रखा जाता है। सूर्योदय से अगले दिन व्रत पारण तक मान्यता अनुसार एकादशी का व्रत रखें। स्नान के पश्चात ही सुबह श्री हरि का अभिषेक और पूजन करें और इस दिन व्रती दोपहर में सोए नहीं, साथ ही साथ रात्रि का जागरण कर भगवान नारायण का स्मरण करें। ऐसा करने से आपको आपके जीवन में बेहद लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी पूरी कामदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारे इस वीडियो में दी गई ये खास जानकारियाँ और आपकी कन्फ्यूज़न अगर दूर कर दी हो हमने इस वीडियो में, तो आप अपने कीमती राय हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल मोक्ष पर नए हैं तो इसे भी सब्सक्राइब करते जाइएगा दोस्तों।